हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बेटा। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 6 के साइंस की जो है वर्कशीट है बेटा ये, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 30 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। और बच्चों, इस वर्कशीट में हम जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लास्ट वर्कशीट में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था और इस वर्कशीट में हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। इन द लास्ट वर्कशीट यू रीड अबाउट कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स टेस्ट। तो लास्ट वर्कशीट में बेटा हमने कार्बोहाइड्रेट और उसका टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे पता चले कि फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, उसके बारे में पढ़ा था। नाउ इन दिस वर्कशीट यू विल बी लर्निंग अबाउट प्रोटीन्स। तो इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। As you already know, proteins are the nutrients needed for the growth and repair of body. So, इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे बेटा कि प्रोटीन जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है, प्रोटीन आर द न्यूट्रियंट्स नीडिड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारी बॉडी जो ग्रो करती है उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। रिपेयर ऑफ बॉडी यानी बच्चों बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं वो सेल्स जो है डैमेज होती रहती हैं, टिश्यू डैमेज होते रहते हैं, तो उनकी जो रिपेयर होती है यानी उनको जो ठीक करता है वो कौन करता है, प्रोटीन करता है। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ सम फूड आइटम विच कंटेन प्रोटीन। क्या आपको याद है ऐसे कुछ फूड आइटम जिनमें प्रोटीन होता है? बिल्कुल याद है आप बच्चों को। जी हाँ, क्या होते हैं, दाल होती है, ठीक है ना, और क्या है, एग, फिश, इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। Try to identify sources of protein from the pictures and put a right mark on the picture which shows a source of protein. तो आपको जो pictures given हैं इनमें से आपको protein find out करने हैं कि किस food के अंदर protein जो है सबसे ज़्यादा है, और आपको वहाँ पर right mark लगाना है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसको। तो इसमें देखिए ये हमारे पास food component हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या दिखाया गया है, spinach दिखाया गया है, इसमें बिल्कुल protein होता है। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये हमारे पास ग्राउंड नट है, तो ग्राउंड नट में बेटा प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि जो फूड है उसके अंदर केवल एक ही न्यूट्रिएंट होगा। सब किसी के अंदर कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कुछ कम होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल एक ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है। अब देखिए एग है, एग में, एग जो है वो प्रोटीन रिच है, ओके। तो इसको हम राइट मार्क लगाएंगे। ये क्या है, बटर है, तो बटर वो फैट रिच होता है, प्रोटीन रिच नहीं होता, इसको हम क्रॉस लगा देंगे। ये देखिए अब वीट है, तो वीट जो है प्रोटीन रिच नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट रिच ये ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चों, ये रॉ कोकोनट है, तो इसमें भी प्रोटीन होता है, तो इसको हम राइट मार्क करेंगे, ओके बच्चों। तो इनमें जो है इस तरह से आप इनको राइट मार्क करेंगे और इनको या आप अलग से कॉपी में भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो बच्चों प्रोटीन के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, मिल्क, मीट, फिश, बीन्स, चीज़, एग वाइट एट्सेट्रा। तो ये क्या है, ये सोर्सेज हैं प्रोटीन के, दूध में है, मीट जो मांस है, फिश है, बीन्स, चीज़ यानी पनीर, इन सब में क्या होता है बेटा, प्रोटीन होता है। ये सभी जो हैं प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट करेंगे हम टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अब बच्चों हमें कैसे पता चले कि कोई भी जो फूड है उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं है। जिस तरह हमने लास्ट वर्कशीट में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता लगाया, हम यहाँ पर प्रोटीन के बारे में पता लगाएंगे। तो देखिए टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्मैश्ड फूड। तो हमें क्या लेना है, स्मॉल क्वांटिटी लेनी है स्मैश्ड फूड की। स्मैश्ड यानी जो थोड़ा सा उसको जैसे हम कुचल देते हैं, ठीक है ना। तो स्मैश्ड फूड लेना है टेस्ट ट्यूब में एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट। इसमें हमने पानी डाल देना है। After this, add 2 drops of copper sulfate solution. क्या डालना है बच्चों, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना के, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, उसको बना के हमें इसमें डाल देना है। एंड 10 drops of कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा होता है बेटा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके जो है हमें क्या करना है, 10 drops इसकी डाल देनी है। तो दोनों को मिला के जब हम डालेंगे तो क्या होगा, देन शेक इट वेल। इसको अच्छे से हिलाना है एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट, स्टैंड फॉर फ्यू मिनट, ओके। सो यहाँ पर हमें टेस्ट ट्यूब को कुछ टाइम के लिए हमें स्टैंड कर देना है, थोड़ी देर उसको रख देना है।
उसके बाद क्या देखेंगे, अपेयरेंस ऑफ वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड आइटम। बच्चों यहाँ पर हमें वॉयलेट कलर जो है वो दिखाई देगा, अगर वॉयलेट कलर दिखाई देता है तो इट मीन्स क्या है कि फूड के अंदर प्रोटीन है, अगर वॉयलेट कलर दिखाई नहीं देता इट मीन्स फूड के अंदर प्रोटीन नहीं है। ओके तो ये जो है टेस्ट है किसके लिए, प्रोटीन के लिए। अब पढ़ेंगे फंक्शन क्या है प्रोटीन का, यानी प्रोटीन क्या काम करता है। तो देखिए फंक्शन क्या होगा प्रोटीन का, प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स। तो बच्चों प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और जो हमारी सेल्स जो है बॉडी सेल्स जो डैमेज हो जाती हैं या हमें चोट लग जाती है तो उस घाव को भरने में बहुत मदद करता है, ये वुंड जो हीलिंग होती है। तो इस तरह प्रोटीन जो है उसका एक मेन रोल आप कह सकते हो बॉडी की ग्रोथ में एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स। उसके बाद देखिए बच्चों ये था प्रोटीन के बारे में। तो हमने पढ़ा कि प्रोटीन के सोर्स क्या हो सकते हैं, प्रोटीन का हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए नेम टू फूड रिच इन प्रोटीन। तो बच्चों आपको दो फूड के नाम लिखने हैं जो जो है प्रोटीन में रिच है, तो आप लिख सकते हैं बीन्स हैं, ओके और क्या लिखेंगे, एग लिखेंगे, फिश। तो ये जो है आप लिखेंगे आंसर वन में। नेक्स्ट क्या है, राइट टू सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन का आंसर यहीं से लिख दीजिए, ये हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, मिल्क, मीट, फिश, बीन्स, चीज, एग वाइट एट्सेट्रा। तो ये सोर्स ऑफ प्रोटीन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट आर द केमिकल्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट प्रोटीन। तो हमने अभी दो केमिकल के नाम दिए ना बच्चों, व्हाट आर द केमिकल्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट प्रोटीन। नंबर वन लिखिए कॉपर सल्फेट, COPPER, SULPHATE, सल्फेट। सेकेंड लिखेंगे कास्टिक सोडा, CAUSTIC, कास्टिक, SODA, सोडा। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, व्हाट हैपन्स टू अवर बॉडी सिस्टम इफ वी ईट इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो हम जो है बॉडी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा अगर हम इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेंगे। तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, प्रोटीन जो है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बेटर है और रिपेयर करता है बॉडी सेल्स को। तो अगर हम प्रोटीन इनसफिशियंट अमाउंट में लेते हैं देन आवर बॉडी विल नॉट ग्रो प्रॉपरली एंड ऑल्सो देयर विल बी डिजीज। सो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सो यहाँ से बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, इफ वी ईट इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन अवर फूड देन अवर बॉडी ग्रोथ विल नॉट अकर प्रॉपरली, वी ऑल्सो गेट डिजीज ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। ओके तो ये आंसर आप क्वेश्चन नंबर फोर का लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ यू ईट ओनली मीट एंड एग व्हाइट एवरी डे डू यू गेट अदर न्यूट्रिएंट आल्सो फ्रॉम दिस फूड। कि अगर आप जो है बच्चों ओनली मीट और एग जो है डेली खाते हो और क्या आपको इससे सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि देखिए जो मीट है एग है वो प्रोटीन रिच होता है लेकिन अदर न्यूट्रिएंट्स उसमें लेस अमाउंट होते हैं। तो और हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर चाहिए, एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड होने चाहिए। तो इसीलिए हमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है केवल इस फूड से नहीं मिलेंगे। तो आइए बच्चों इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए, इफ वी ईट ओनली मीट एंड एग व्हाइट एवरी डे देन वी विल नॉट गेट ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिकॉज एग एंड मीट आर रिच इन प्रोटीन बट अदर न्यूट्रिएंट्स आर इन लेस अमाउंट। सो ये आंसर आप लिखेंगे बेटा। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।